अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। आज हम आपके लिए क्या टॉपिक लेके आए हैं? आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सन स्पॉट्स के बारे में। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, जिनको हम फ्रेकल्स भी कहते हैं। आप लोग उसको फ्रेकल्स नहीं कहते, आप लोग उसको मेलास्मा भी कहते हैं, आप उसको छाइयां भी कहते हैं, हम नहीं कहते। बेसिकली सन स्पॉट्स क्या होते हैं, जिस तरह से तिल होते हैं उसी तरह का इनका रंग फर्क होता है और इनकी डेप्थ आपकी स्किन में जो है वो डिफरेंट होती है। और ये किस एरिया पे डॉट्स की फॉर्म में होते हैं, ये ब्रिज ऑफ नोज के ऊपर होते हैं, फिर आपके अपर चीक्स पे होते हैं, फिर आपके फोरहेड पे हो सकते हैं, अगर ज्यादा हो तो फिर नीचे की साइड पे भी हो सकते हैं, बट यूजुअली इनका एरिया यही बनता है, ब्रिज ऑफ नोज बनता है और अपर चीक्स बनते हैं। फिर ज्यादा हो या ज्यादा होते जाएं तो फिर आपका एरिया थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है या स्प्रेड कर सकता है। पता कैसे चलेगा कि ये आपके तिल हैं या आपके सन स्पॉट्स हैं या फिर ये कि ये क्या है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि हमें तो पता चल जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को नहीं पढ़ा हुआ होता या पेशेंट ये समझ रहा होता है कि उसको ये हो रहा है, उसको नहीं समझ में आ रही होती है कि उसे क्या हो रहा है। अगर तो आपको बिल्कुल समझ ना आ रहा हो कि आपकी स्किन के ऊपर क्या नई चीज बन रही है, वो क्या है, वो क्यों बन रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप एक दफा डॉक्टर को दिखा लें ताकि डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे। जब प्रॉब्लम शुरू होता है अगर आप उस वक्त दिखा लेंगे तो शायद हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए और हम उसकी सिवियरिटी को कम कर लेंगे। जैसे अगर आपको सन स्पॉट्स बन रहे थे लेकिन आपने स्टार्ट में उसको नहीं दिखाया तो वो कम से ज्यादा होते जा रहे हैं और जब बहुत ज्यादा हो गए तो फिर आप आए, तब आप जब आएंगे तो हम उसको रोकने वाली चीज नहीं, तब तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और साथ में रोकने के लिए जो भी हम देना चाहते हैं या कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर आपको बताना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे। जो सन स्पॉट्स होते हैं वो हमेशा से नहीं होते फेस पे, यूजुअली वो लोगों को किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। जब उनका सन एक्सपोजर ज्यादा रहा हो उस वक्त भी ये नजर आना शुरू हो सकते हैं या बनना शुरू हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आपको लगे, जैसे लेट्स सपोज के कोई बच्चा था और वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसका कोई स्पोर्ट्स का जो है वो कोई कंपटीशन था या क्या था या कोई मैचेस हो रहे थे, तो ये जरूरी नहीं है कि जब उसका सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था उसी वक्त उसको सन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाए। डेफिनेटली जो आपके अंदर डिस्ट्रक्शन हुई होगी वो आपको कुछ अरसे के बाद नजर आ सकती है। तो ये फील हो सकता है कि दो साल के बाद आप देखें कि फेस के ऊपर आपको सन स्पॉट्स नजर आना शुरू हो गए हैं या कुछ अरसे के बाद आपको सन स्पॉट्स नजर आना शुरू हो गए हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। ऐसा भी होता है कि आपको किसी भी एज में सन स्पॉट्स बनना शुरू हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अर्ली एज में या फिर टीन एज में ही बनेंगे, पर टीन एज में भी बनते हैं और ज्यादातर लोगों को बनते हैं या बनना शुरू हो जाते हैं, होते कम हैं और वो क्योंकि उसको नोटिस नहीं ले रहे होते तो जब वो ज्यादा हो जाते हैं वो तब हमें रिपोर्ट करते हैं। सन स्पॉट्स जो होते हैं वो मोल की तरह डीप होते हैं लेकिन मोल से उनकी डेप्थ थोड़ी सी कम होती है। जैसे आप समझ लें कि अगर मोल जो है वो सेकंड बेसमेंट में पड़ा हुआ है तो जो आपका सन स्पॉट है वो फर्स्ट बेसमेंट में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। ग्राउंड पे तो दोनों ही चीजें नहीं है, फेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब स्किन के ऊपर कुछ नहीं है, बेसिकली ये डेप्थ पे ही होते हैं। क्योंकि ये डेप्थ पे होते हैं तो जब ये बन जाते हैं और अगर हम इनको ट्रीट करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लेजर ही रिक्वायर्ड होता है। ऐसे लेजर्स अवेलेबल हैं जो कि पिगमेंट को खत्म करने में हेल्प करते हैं। वही लेजर्स जो हैं वो डिफरेंट सेटिंग के साथ जो है वो हम सन स्पॉट्स के लिए यूज करते हैं। क्या इसके लिए एक ही ट्रीटमेंट काफी होता है? इसके लिए एक ट्रीटमेंट काफी नहीं होता, इसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ज्यादातर जो है वो 2 से 3 हफ्ते के गैप से जो है वो हम सेशंस को रिपीट करते हैं। ये तो हो गया कि अगर हम इसको ट्रीट करना चाह रहे थे तो तब हमें लेजर की जरूरत पड़ेगी। क्या आप इनका ट्रीटमेंट जो है वो चीजें लगा के भी कर सकते हैं? नहीं होगा। इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मोल्स या तिल होते हैं उनकी डेप्थ होती है या वो गहराई में होते हैं हमारी स्किन में, गहरी या अंदरूनी लेयर्स में होते हैं, उसी तरह से ये भी जो है ये कहीं सुपरफिशियल नहीं पड़े हुए होते कि हम आपको लगाने के लिए मेडिसिन दे देंगे चाहे जितनी भी अच्छी मेडिसिन हो और ये गायब होना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अगर इनको हमने ट्रीट करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए लेजर ही रिक्वायर्ड होगा। फिर आ जाता है कि ये दोबारा ना बने या और ना बने, उसके लिए क्या करना है?
उसके लिए सबसे ज्यादा टॉप पे हमेशा की तरह सन प्रोटेक्शन आएगी। आपको सन प्रोटेक्शन जो है उसको सुबह के वक्त नहीं सिर्फ खाली लगाना, आपने उसको एक दफा नहीं लगाना होता, उसको रीअप्लाई भी करना होता है। तो आप उसको रीअप्लाई भी करेंगे। सन स्पॉट्स उन्हीं लोगों को बनते हैं जिनमें जेनेटिकली टेंडेंसी होती है सन स्पॉट्स के बनने की, यानी कि उनकी स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें सन स्पॉट्स बन सकते हैं। हर किसी को तो देखे नहीं बनते, लोग बाहर भी काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं बनते। जिसमें जेनेटिकली टेंडेंसी होती है उसी स्किन में बनते हैं। तो जिसकी जेनेटिकली टेंडेंसी है हम उसे कहते हैं कि आप अपनी स्किन को बचा के रखें। बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? सनब्लॉक। और उसके अलावा क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? उसके अलावा हम एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल कराते हैं, खाने के लिए भी दिए जा सकते हैं लेकिन लगाना बहुत अच्छा रहता है। और लगाने के लिए हम विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हम स्किन के ऊपर दे सकते हैं ऐसी किसी भी चीज के लिए, स्पेशली सनस्पॉट्स के लिए। तो ये दो चीजें हैं जिसको आप एज ए प्रिकॉशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके यूज में होनी चाहिए और आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए ताकि आपको सनस्पॉट्स ना बन सके। होपफुली आपको आज एक अच्छी बात पता चली होगी और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी, मिली होगी। इसमें ये भी होता है कि जैसे मेल्स का एक्सपोजर ज्यादा होता है तो हम उनको कहते हैं कि अगर आपका फील्ड वर्क है और आपको पता है कि वो 11 से लेके 3 बजे के दरमियान है, सुबह के 11 से लेके दोपहर 3 बजे के दरमियान है, तो आपने क्या करना है, आप सनब्लॉक भी लगाएं और उसके अलावा आप पी कैप भी पहन लें या जो चौड़े ब्रिम वाली हैट होती है इस किस्म की कोई चीज यूज करें ताकि जो सनलाइट का डैमेज है या सन रेज का डैमेज है वो कम से कम आपकी स्किन के ऊपर हो सके। और सनब्लॉक को रीअप्लाई आप जरूर करेंगे क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो वो जो उसका टाइम ड्यूरेशन था वो खत्म हो गया और उसके बाद फिर से आपकी स्किन जो है उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन हो ही सकती है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और सेहतमंद रहें और सेहतमंद और अच्छी स्किन के साथ रहें।